हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। सो गाइस, आज है डेट 6 जून और आज भी अपडेट आया है गाइस। आज फाइनली जो कल बहुत खतरनाक गिरा था मार्केट, अब फाइनली गाइस फाइनली थोड़ा सा आज पॉजिटिव न्यूज़ है। वो कैसी पॉजिटिव न्यूज़ है मैं आपको बताऊंगा मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का। और गाइज, आज सेकेंड अपडेट में आपसे बात करूंगा। लास्ट मंथ में गाइज 85% स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने अपना बेंचमार्क आउट परफॉर्म किया है। तो कैसे कैसे फंड सब स्मॉल कैप में अपना बेंचमार्क किस तरीके से बीट किया है, तो वो पूरा डिटेल में आपको दिखाऊंगा। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। बाकी गाइज, थर्ड अपडेट एज यूजुअल, यूट्यूब इनकम, वन डे इनकम और जून मंथ का अब तक का कितना हो चुका है वो भी बताऊंगा। और आपको मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा गाइस, कितना गया है, ऊपर गया है आज, कितना परसेंटेज अप गया है आपके पोर्टफोलियो में, कमेंट्स में बताओ, सो दैट मुझे भी आइडिया मिले कि आप लोग का कितना ऊपर जा रहा है। और बाकी मैं मेरी बात करूँ गाइस, मेरे पोर्टफोलियो का, स्टॉक पोर्टफोलियो का, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो वो पूरा आगे देखना। बाकी उससे पहले मैं म्यूचुअल फंड का बात करूँ मेरे पोर्टफोलियो का, तो अभी गाइज कितना हो चुका है, 27,082 का सीधा एक दिन में रिकवर किया है गाइज। 2.78% का मेरा जंप आया है। कल 18-19% के बीच में आ गया था और आज फिर से 21-22 के बीच में आ गया है। तो और अभी फिर से पोर्टफोलियो 10 लैक्स दिखा रहा है गाइज। सो दिस इज हाउ इन्वेस्टमेंट जर्नी इज ऑल अबाउट, नीचे कभी ऊपर। बट कल जो गिरा था ना गाइस, अमेजिंग, मतलब खतरनाक गिरा था। और ये जो गिर रहा है ना गाइस, ये मुझे धीरे धीरे टाइम के साथ और ज्यादा वोलेटिलिटी झेलने की, लाइक यू नो, एक यूज टू होते जा रहा हूँ मैं। प्लस मैंने स्टॉक पोर्टफोलियो में जब से डाला तब से तो और ज्यादा वोलेटिलिटी झेलने की कैपेसिटी आ चुकी है। बट एनी विच पे, आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले गाइस अपने लेवल पर हमेशा रिसर्च करो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इन्वेस्टमेंट करो। बाकी मैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपने गोल्स के लिए टारगेट कर दिया हूँ। 1 करोड़ अमाउंट का मेरा गोल है और जब तक नहीं होगा तब तक जितना हो सकेगा मुझसे इन्वेस्टमेंट करूंगा, टाइम दूंगा। और उसके अलावा भी 2 गोल्स और है मेरे, 20 लाख एंड 1,60,000 के, उसके लिए भी मैं अलग से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो गाइज देखो, आप अपना गोल्स बनाओ और म्यूचुअल फंड में अच्छे एक फंड चूज करो अपने कैपेसिटी के हिसाब से, कौन सी वोलेटिलिटी आप झेल सकते हो। और उसके बाद आप स्टॉक में भी अगर आप डाल रहे हो तो अच्छे से रिसर्च करके फंडामेंटल, कौन से स्टॉक्स में डाल रहे हो, फ्यूचर में मार्केट में उसमें क्या ग्रोथ है क्या नहीं है, अपने लेवल पे बहुत अच्छे से रिसर्च करो। एंड देन एक बार जब इन्वेस्टमेंट करते हो, गोल बना के वैसा होल्ड करो एंड फिर आप अपना डिसीजन लो। बात करेंगे गाइस, तो XIRR दिखा रहा है 40.02%। और अभी करंटली आज देखेंगे आज का वन डे कैसा है, 11,726 रुपीज़ प्लस में आया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का। कोटक स्मॉल कैप का 10,905 रुपीज़ के प्लस में आया है। एक्सिस स्मॉल कैप का आप देखेंगे गाइस तो 4,450 रुपीज़ के अराउंड प्लस में आया है। उसके अलावा आप देखेंगे गाइस तो 21.73% है टोटल टोटल रिटर्न। अब दिखा रहा है 1,78,677, तो जो कि ठीक है गाइस, अभी भी 21% के, मतलब 20% के अभी भी ऊपर वापस से आ गया है, तो थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिल गई है। बिकॉज मुझे थोड़ा लग रहा था कि अभी ये पता नहीं कब तक थोड़ा नीचे रहेगा, बट टच वुड ये बढ़ गया आज और मेरा वापस से 20% के ऊपर हो गया है। लॉन्ग टर्म पे देगा कि नहीं देगा गाइस वो एक अलग चीज है, बट हम हमेशा पॉजिटिव ही होप करेंगे कि ज्यादा मिले तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलेगा तो 15% के ऊपर भी मिनिमम मिल जाए तो वेल एंड गुड है। बाकी तो देखते हैं, सब टाइम की बात है। करते हैं 85% स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स आउट परफॉर्म बेंचमार्क्स इन मई। तो अभी आपको मैं बताऊँ वो कौन से फंड्स कैसे परफॉर्म किए। तो गाइज ये रहा कैटेगरी वाइज, सबसे पहले आप देखेंगे गाइज तो आदित्य बिरला SL स्मॉल कैप फंड है, 0.35% का इसका मई मंथ का, लाइक यू नो, परसेंटेज है। बेंचमार्क था -1.15%। उसके बाद एक्सिस स्मॉल कैप 1.39% का परफॉर्म किया है लास्ट मंथ मई में, -1.27% का इसका बेंचमार्क था। अब उसके बाद आप आगे और देखेंगे गाइस तो बंधन स्मॉल कैप है, फिर इसने भी आउट परफॉर्म किया है। बैंक ऑफ इंडिया है स्मॉल कैप फंड, इसने भी आउट परफॉर्म किया है। बड़ौदा BNP परिबास स्मॉल कैप फंड ने भी आउट परफॉर्म किया
किया है आप बोल सकते हो। वैसे तो माइनस में ही है रिटर्न ये, बट बेंचमार्क ही -1.27 है, तो इसे आउट परफॉर्म में काउंट किया जा रहा है। बट एनी विच वे कोई बात नहीं। और फिलहाल आप अभी देखेंगे कैनरा रोब स्मॉल कैप फंड है, 2.46% है, -1.27% का बेंचमार्क था, बहुत अच्छा रिटर्न दिया ये 2.46% का। बाकी उसके बाद है एडिलवाइस स्मॉल कैप फंड 0.07%, -1.27% का इसका बेंचमार्क था, आउट परफॉर्म किया है। देन उसके बाद है गाइज ये लिस्ट है पूरी, आप चाहो तो इसे पॉज करके भी देख सकते हो। तो ये उसके बाद का लाइन से सारा है इसमें, काफ़ी अच्छा अच्छा सब देख रहा हूँ। तो मैं एल आई सी एम एफ स्मॉल कैप फंड ने भी 4.24% का रिटर्न दिया है, -1.27% का था इसमें बेंचमार्क। बाकी ओवरऑल बाकी ने भी परफॉर्म किया है ठीक ठाक, आप चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ लो। और उसके बाद है ये लिस्ट लास्ट का, मेरा फंड देखेंगे इसमें, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, 1.27% का है प्लस में, -1.27 का बेंचमार्क था, तो अगेन ये भी आउट परफॉर्म ही किया है। बाकी बाकी लोगों ने भी किया है आउट परफॉर्म, तो आप इसे भी पॉज करके पढ़ लीजिए। और देखेंगे गाइस, तो मेरा एक्सेस था उसने भी 1.39% दिखा रहा है, मेरे वाले जो फंड है कोटक स्मॉल कैप ने 3.75% और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप जो मेरा है 1.27%। तो तीनों मेरे ये फंड है। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताओ गाइस, आपके कौन से फंड है इसमें से, थोड़ा चैनल का भी रिव्यू कर लेते हैं। 3,571 सब्सक्राइबर हो गए हैं गाइस, तो गाइस ऐसे ही चैनल को सपोर्ट दिखाओ। जो लोग ने भी वीडियो यहाँ तक देखा है और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई लोग, आप लोग सब्सक्राइब कर लो। और जो भी ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है तो आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह शेयर कर लो गाइस, आप सब लोग से मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और रही बात आज का वनडे इनकम का, कितना आ चुका है यूट्यूब का, तो मैं आपको दिखाता हूँ, और जून मंथ कब तक कितना हो गया वो भी बताता हूँ। तो लास्ट अपडेट जो आया है, लास्ट अपडेट है वो 4 जून का, $0.49। और अब तक जून मंथ का देखेंगे कितना हो चुका है, तो जून मंथ का अब तक दिखा रहा है $2.88 का है। तो अभी $1 इक्वल्स टू कितना चल रहा है, आप उससे कन्वर्ट कर लेना गाइस रुपीज में, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बात करते हैं मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो का, और इसका आज मैं बताता हूँ क्या हालचाल है। वैसे जो लोग स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरी तरह, आप लोग कमेंट्स में बताओ गाइज, आप लोग को आज कैसा अपडेट मिला है पॉजिटिव, जो जिन फंड में जिस स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है आप लोगों को पॉजिटिव आया है या नेगेटिव, जरा मुझे भी बताओ। बाकी मैं अपना बताता हूँ, तो मेरा अब हो चुका है गाइस टोटल रिटर्न्स क्या दिखा रहा है, 5.08% का अभी भी माइनस में है मेरा, 9,155 रुपीज़ के अराउंड माइनस ही है, अभी भी नेगेटिव में ही है। लास्ट मंथ भी नहीं बोलूँगा मैं, अप्रैल मंथ में 12th से मैंने चालू किया था ये 2024 से, तो तब से अभी तक देखेंगे तो माइनस में ही है। बीच में बहुत अच्छा खासा प्लस भी आया था, बट आपको तो पता ही है स्टॉक वोलेटिलिटी क्या हुई है, कल के दिन क्या बैंड बजी है वो तो सबको ही पता है। बाकी आप देखेंगे गाइस, तो अभी फिलहाल रिकवर हुआ है आज। वैसे देखेंगे आज गाइस टुडेज रिटर्न का, तो आज 4.08% का प्लस में है, ये टुडेज रिटर्न है आज का। बाकी आज तो थोड़ा अच्छा ही रहा जिसमें भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस हिसाब से। और बाकी टोटल रिटर्न अभी भी नेगेटिव में है, -5.08% का अभी भी डाउन है पोर्टफोलियो। बट देखते हैं आने वाले टाइम पे ये धीरे धीरे बाउंस बैक करता है या क्या होता है, जो भी होगा गाइस मैं डेली बेस पे तो ऐसे अपडेट देता हूँ। बाकी म्यूचुअल फंड और स्टॉक से मेरा एक टारगेट है गाइस कि मुझे 1 करोड़ अमाउंट टच करना है जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, बिकॉज अराउंड 10 लैक्स तक मैंने ना अराउंड इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ गाइस, लास्ट 11 मंथ से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो जो ओल्ड सब्सक्राइबर है उनको तो पता ही है, जो न्यू है जस्ट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन उसी पे दे दूँ। तो स्टॉक पोर्टफोलियो से, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से, दोनों से मुझे पहला मेरा गोल है 1 करोड़ का, अब देखते हैं बाकी जितना हो सकेगा मुझसे मैं उतना इन्वेस्टमेंट भी करते रहूंगा गाइस। मेरे स्टॉक्स का अब स्टॉक्स में जो मैं अलग से म्यूचुअल फंड में जो 2 फंड में डाल रहा हूँ वो है मेरे क्वांट स्मॉल कैप एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। अभी आप इसमें देखेंगे तो फिलहाल क्वांट भी नेगेटिव में है और निपॉन भी नेगेटिव में है, स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप दोनों नेगेटिव में है। क्वांट स्मॉल कैप में गाइज मेरा टारगेट है 1,60,000 का, अब वो कब होता है मैं उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लास्ट मंथ से चालू किया हूँ।
और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में गाइस मेरा टारगेट है 20 लाख्स का, तो देखते हैं गाइस ये फंड दोनों में कब तक होता है मेरा, ये दो गोल्स भी। तो बाकी जो भी रहेगा गाइस अपनी जर्नी ऐसे में डेली शेयर कर रहा हूँ, और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। लॉन्ग टर्म पे डेफिनेटली म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से स्टॉक पोर्टफोलियो में आपको लाइक यू नो डे टू डे वोलेटिलिटी, डे टू डे अप में कितना आता है पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म पे कंपाउंडिंग प्रॉफिट लॉस कितना रिस्की है, लॉन्ग टर्म पे कितना प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जो भी है मैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों का डेली डेली अपडेट देता हूँ। तो लाइक नो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने वाले हैं उनको एक लॉन्ग टर्म पे वीडियो से डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। इनका कमेंट है आपका वीडियो करंट डेट का नहीं रहता है, एक दिन लेट अपलोड होता है। हाँ ब्रदर, मैंने एक्चुअली बहुत लोगों ने कमेंट्स भी किया है, और आपका भी जो कमेंट है एक्चुअली मैंने इस पे बहुत बार बता चुका हूँ। आई थिंक जिन लोगों को कन्फ्यूजन है शायद वो अभी लेटेस्ट में ज्वाइन हुए रहेंगे चैनल पे, तो रिसेंटली सब्सक्राइब हुए रहेंगे तो उनको शायद पता नहीं होगा, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ वापस से। तो मेरे वीडियोस गाइस एक दिन पहले के ही होते हैं, और कमेंट है राम राम ब्रदर, राम राम भाई, मार्केट पगला गया है, पगला गया है, और आज थोड़ा सा वापस से ठीक हो गया आप बोल सकते हो, बट अभी फिलहाल और ऊपर जाना चाहिए, काफी काफी ज्यादा 25% के ऊपर हो गया था भाई मेरा टोटल रिटर्न, बट अभी गिर के वापस 21 से 22 के बीच में आया है। अब देखते हैं पॉजिटिव जून एंडिंग होते होते थोड़ा ऊपर जाए तो अच्छी बात है, वरना जो भी है डे टू डे बेस पे तो आपको अपडेट में देते ही रहूंगा। हेलो गाइस, फिर वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, एंड गाइस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट दिखाओ, ज्यादा दिखाओ कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, बट लेकिन कम मत कभी दिखाओ गाइस। एंड गाइज ये साल दिसंबर एंडिंग से पहले मेरा 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है गाइज, सो इतना तो गाइज मेरे को आप सब लोग से हेल्प चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जैसे मैं आप सब लोगों को कहता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।